सफेद पन्नों में काली स्याही से लिखी गई लोगों की कहानी सुनेंगे तो भ्रष्टाचार की तपती दोपहरी में आपको पसीना आ जाएगा। कहने को तो इन लोगों की चौहत्ती तय कर दी गई, गरीबों की श्रेणी में आते हैं, इनका अपना दायरा है, सस्ते दामों पर अनाज मिलेगा, लेकिन जब अधिकारियों का अधिकार उसे अभिमान लगने लगे तो कैसी योजना और कैसी ईमानदारी। नाम नहीं ये कहा थे, नामे नहीं ये माँ कहा थे, नाम कट गए तो कैसे कि नाम कट ही अगले महीने तो झोंके हैं ना हमने। अब काय करबो मरबो काय करबो भूख में, अब कहाँ जाबो। नाम कहा थे अगले महीना मिले रही से वो गांजा गाली मिला था ऐसा यहाँ नहीं मिला। 2 रुपया पहली रहता 2 रुपया उसके दिन के मिला थे, पुराना कारण है हमारे। अब यहाँ कहा थे नामे नहीं है कहूँ। कोरबा जिले में सरकार के कारिंदों ने ऐसा घपला किया कि जिन 40 लोगों को सस्ते दामों पर राशन मिलना था लिस्ट से उनका नाम ही हट गया। भागे भागे लोग गृह मंत्री ननकी राम कंवर के पास गए, कहा हुजूर ये तो तानाशाही है, मोती सागर पारा के सरमंगला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार में काली कमाई का भंडारा चल रहा है। खाद्य अधिकारी और सहायक खाद्य अधिकारी के द्वारा राशन कार्डों की जांच की गई थी, जांच में इन लोगों को सभी लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, और जबकि ये लोग पैदाइशी वहीं के रहने वाले लोग हैं, और जो अपात्र हैं उनको पात्र बना दिया गया सहायक खाद्य अधिकारी के द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कोई 1-2 दिन से नहीं, महीने भर से इन लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा था, इसलिए फर्जीवाड़े को सुनकर ननकी राम ने इसे नाक का सवाल बना लिया। उनको चाहिए कि जो जिनका छूट गया है राशन कार्ड बनने के लिए उनको बनाना चाहिए, तो ये तो चाहते हैं पब्लिक दिग्भ्रमित रहे, और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे काम करने वाला कांग्रेस का दलाल। पहले तो अंधेर और इसके बाद देर, इतनी देर कि घोटाले बाद नहा धोकर निश्चिंत हो गए, अब तो जांच होगी, जांच अधिकारी पहले कुछ पढ़ेंगे कुछ लिखेंगे, राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा का मामला है, गरीबों से भी जानना पड़ेगा और अफसरों से भी पूछना पड़ेगा, और जब सब हो जाएगा तब जाकर जांच की ABCD शुरू होगी, तब तक अफसर मस्त रहेंगे और गरीब रोते रहेंगे। खबर भारती के लिए कोरबा से शमी इमाम की रिपोर्ट।